अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया के बावर्ची खाने में। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी रेसिपी है चिकन छोले हैं विद अंडे, तो चलें हम बनाते हैं। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? बिस्मिल्लाह रहीम, ये मैंने प्याज और लहसुन ग्राइंड करके रख लिया था। प्याज और लहसुन जो है मैंने पहले से ही ग्राइंड करके रख लिया था। प्याज हमने ज़्यादा इसमें नहीं डालना, एक से दो अदर डालने हैं। आप लोगों ने देखा होगा बाज़ अवकात खाने बहुत मीठे मीठे से फील हो रही हैं दालें वगैरह चने, तो उसकी वजह यही होती है कि हम लोग प्याज बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। तो प्याज आपने दो छोटे, एक से बस दो, ज़्यादा नहीं। अब हम इसको ब्राउन होने का इंतज़ार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। टमाटर के पेस्ट के अंदर मैंने हरी मिर्चें भी ग्राइंड कर ली थी। साथ साथ दूध भी ज़रूर पड़ा करें, खाने में बहुत ज़्यादा बरकत आती है, बहुत ज़्यादा इसके फ़वाद हैं दुरूद शरीफ के। तो मैं ज़रूर आप लोगों को कहूँगी कि आप अपने खाने बनाने के दौरान ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ा करें। और इसके साथ ही मैं दो तीन कड़ी पत्ता डालूँगी। अच्छा, मैं आपको इसके थोड़े फ़वाद बता दूँ। कड़ी पत्ते के फ़वाद ये हैं कि एक तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है दालों के अंदर, और एक जो है इसका जो है ना खुशबू बहुत प्यारी है। तो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। इसके साथ ही हम लोग एक से डेढ़ चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। अच्छा, ये मैंने पहले से थोड़ा सा भून के रख लिया था, क्योंकि भूनने के बाद इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये धनिया पाउडर है, इसको भी मैंने भून के फिर ग्राइंड किया था। काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, और ये लहसुन पाउडर है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। नमक हसबे ज़ायका। अब हम मसाले को बहुत ज़्यादा भूनेंगे, कम से कम हम इसको 10 से 15 मिनट भूनेंगे। भूनने से ये होगा कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत ही लजीज होंगे। ये दूसरे रेसिपी से थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, और इसमें हम एक ख़ास चीज़ बाद में ऐड करेंगे, वो जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर बॉयल मैंने पहले से करके रखे हुए थे चने हम शामिल करेंगे इसके अंदर। अब हम इसको थोड़ी देर इसको भूनेंगे। अब इसमें मैं एक गिलास पानी शामिल कर लूँगी। और इस अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो एक चम्मच आप इसका डाल लीजिए इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम अपने छोले चेक करते हैं माशाल्लाह से। ये देखिए, अब हम इसमें कस्तूरी मेथी डाल देंगे थोड़ी सी, ये हमने लास्ट में आइटम शामिल करना था इसमें। मैं आपको बता रही थी कि लास्ट में हम जो चीज़ शामिल करनी थी वो यही थी, कस्तूरी मेथी। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। रहमान रहीम, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। सब्सक्राइब करने पे कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ ये है कि आपकी मोहब्बत का पता चलता है। बॉयल अंडे हमने इस पर रख दिए हैं, थोड़ा सा आप धनिया काट के इस पर डाल दीजिए। अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।